कानून पसंद भी पड़ता है हाफ एन आवर में, ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे आप लोग। ये क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल आर्ट फॉर्म्स एंड देयर इंटीग्रेशन टू द और टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग में हम उसको यूज़ करते हैं एंड ये लोकल आर्ट फॉर्म है, लोकली जो मिलता है एंड जो अवेलेबल होता है किस लिए, स्टोरी के थ्रू टीचिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या आपको मेंशन करना है, देखो हेडिंग मैंने कुछ दिया है आंसर्स में। तो आंसर्स हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू आर्ट, जो कि फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने किया था इंट्रोडक्शन टू आर्ट, उसी को आप लिखोगे। देन इंट्रोडक्शन टू आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट इंटीग्रेशन का पॉइंट कहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है। देखो ये हो गया आर्ट इंटीग्रेशन, चार लाइन यहाँ पे मेंशन है। देन इसका टाइप्स, टाइप्स नीचे है, ठीक है। सो यहाँ पे आर्ट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आर्ट इंटीग्रेशन इज एन अप्रोच, ये क्या है, एक अप्रोच है टू टीचिंग दैट इंटीग्रेट्स द फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एज प्राइमरी पाथवेज टू लर्निंग। आर्ट इंटीग्रेशन डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन बाय इट्स इंक्लूजन ऑफ बोथ आर्ट डिसिप्लिन एंड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ लर्निंग। आपको सुनने में ये डिफिकल्ट लग रहा है, अभी देखो कितना ईजी होगा। आर्ट इंटीग्रेशन एक अप्रोच है, जैसे आप अप्रोच लेते हो दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे हम इनिशिएशन ले रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग करने के लिए। कैसा, हमें पता है कि आर्ट्स कितने टाइप का है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 6 टाइप्स का है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्ट है नॉर्मली जो एज यूजुअल हम लोग यूज करते हैं या देख पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। फाइन आर्ट होता है क्या, जिसमें आप थोड़े से क्या करते हो, विजुअल आर्ट होगा या फिर फिंगर टिप्स का यूज़ करते हो, फिंगर्स का यूज़ करते हो, तो उसको हम फाइन आर्ट्स बोलते हैं। जस्ट लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, क्रेयॉन्स का यूज़ करना, ये सारे। तो ये प्राइमरी बेसिस है। परफॉर्मिंग आर्ट जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये दोनों आर्ट को यूज़ करें ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल पॉइंट में लर्निंग को करने के लिए, ठीक है, ट्रेडिशनल पॉइंट में लर्निंग को करने के लिए। सो समथिंग दैट लाइक दैट हम बोल सकते हैं कि आर्ट इंटीग्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ आर्ट्स व्हिच इज टेकन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट टू इनकॉर्पोरेट आर्ट एजुकेशन इन द लर्निंग पॉइंट। बस इतना लिखना है कि कंटेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट थे, पहले के जो आर्टिस्ट थे, कंटेम्प्रेरी मीन्स हिस्ट्री पीरियड में जो आर्टिस्ट थे, एंशिएंट पीरियड में, उन आर्टिस्ट के थ्रू जो इनकॉर्पोरेशन हुआ आर्ट का, तो वो किस लिए हुआ, लर्निंग पॉइंट को और ज्यादा एनहांस करने के लिए। बस इतना ही मेंशन करना है, ठीक है। अभी देखो आर्ट इंटीग्रेशन के बाद हमें डायरेक्ट जाना है टाइप्स में। तो आप यहाँ पे टाइप्स आ जाता है, देखो यहाँ पे ग्रीन पेन में मार्क्ड है सम लोकल आर्ट्स प्ले की रोल टू डेवलप एजुकेशनल एंड ट्रेडिशनल वैल्यू। मतलब एजुकेशन भी बढ़ रहा है प्लस ट्रेडिशनल वैल्यूज भी आ रहे हैं। जो पहले के टाइम पे एजुकेशन, पहले के टाइम का अगर कुछ भी हम पढ़ते तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, उस सब्जेक्ट को हम हिस्ट्री बोलते हैं। वो मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज के बारे में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं, तो दैट इज पॉसिबल थ्रू द ट्रेडिशनल आर्ट एजुकेशन। ट्रेडिशनल आर्ट एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो ट्रेडिशनल आर्ट एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पहला होता है क्या है, स्ट्रिंग पपेट। स्ट्रिंग पपेट, स्ट्रिंग मतलब जानते हैं, ठीक है। अब थिंक कर लो, आप डॉल बना लिए, उसमें ना आपने स्ट्रिंग यूज कर लिया। अब स्प्रिंग नहीं बोला जा रहा है, स्ट्रिंग बोला जा रहा है। जस्ट लाइक थ्रेड बोल सकते हो या फिर बोल सकते हैं ऑयर्स, जो आप लोग ऑयर्स यूज करते हो ना घर पे, तार वार रहता है ऑयर्स, तो ऑयर्स को आप लोग यूज कर रहे हो, जिसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग बोल रहे हैं। सो इंडिया हैज ए रीच एंड एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रिंग पपेट। इंडिया में स्ट्रिंग पपेट बहुत ही ओल्ड पपेट डांस में आता है एंड ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी लेके आया था। सो यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, देखो स्ट्रिंग पपेट को और एक टर्म में बोलते हैं मेरियोनेटिस। मेरियोनेटिस, सो मेरियोनेटिस हैविंग जॉइंटेड लिम्स, ठीक है। ये स्पेशली ना राजस्थान में ये होता था, मतलब मैंने जब देखा तो ये राजस्थान के एक शो में मैंने देखा था, मतलब टीवी में, एंड वहाँ पे था कि डॉल्स बनाए गए हैं बड़े बड़े से एंड राजस्थानी प्रिंटेड जो भी उनके ड्रेसेस होते हैं उनको वेयर किया गया है एंड उसमें स्ट्रिंग लगा के उनके हाथ पैर जॉइंटेड होते थे एंड उसको मूव करवाया जाता था डांस या मूवमेंट के लिए, घोड़े पे आ रहा है वो सब, ठीक है। उनका देखो पहला ही मैंने अभी तक देखा नहीं था, ये कहाँ पे फेमस है, राजस्थान में, दैन आया ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इतना याद रख लो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कैसा दिखता है, ठीक है। राजस्थान, ओडिशा, कटक, तमिलनाडु, अगर पूरा याद नहीं रह रहा है इतना शॉर्टकट लिख लो, ठीक है। ROKT, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। अभी देखो ओडिया में डॉल्स को हम क्या बोलते हैं, कंढी,
ठीक है, कौंडही बोलते हैं। सो कौंडही ओडिशा में फेमस था, यहाँ पे कौंडही जो होता था उनके फेस ना जस्ट लाइक राउंड राउंड होते थे, सर्कल्स में ऐसे होंगे, एंड उसको डिजाइनिंग वाले कपड़े पहनाए जाते थे, बहुत सारा ऐसे जैसे लाइक घाघरा और बहुत सारे कपड़े मिक्स करके डिफरेंट कलर ऑफ क्लॉथ्स लेके वो स्टिच करके बनाया जाता था। इसके भी जॉइंटेड लेग्स हैं, सॉरी जॉइंटेड लिम्स हैं, एंड इसके स्कर्ट्स जो होते थे बहुत लंबे होते थे, सो दैट इनको लेग्स नहीं चाहिए, इनके ओनली हैंड्स होते थे, ठीक है, बट इनके कोई भी लेग नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? बिकॉज लॉन्ग स्कर्ट होता था इनके लिए, लॉन्ग स्कर्ट होता था, देखो ये हो गया लॉन्ग स्कर्ट, इसलिए इनका लेग्स नहीं था। सो ये कहाँ पे फेमस है? ओडिशा में ही बोला गया है सबसे फेमस है। तो इससे इन्फ्लुएंस्ड होके नेक्स्ट टाइम पे क्या आया पता है? ओडिसी डांस। इसी से नेक्स्टली इन्फ्लुएंस्ड हो गए उड़ीसा के लोग एंड ओडिसी डांस को स्टार्ट किए थे, ठीक है। कौंडही डांस बोला जाता है एंड कहीं कहीं पे इसको मतलब यूज किया जाता था जात्रा में, जात्रा ट्रेडिशनल थिएटर्स ये सब में। पहले के टाइम पे जो घोस्ट मूवीज होते थे ना ओडिशा के स्पेशली, वहाँ पे डॉल्स के अंदर हम लोग घोस्ट को दिखाते थे, तो उनमें भी मूवमेंट इसे ही किया जाता था, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। एंड उसके बाद देखो नेक्स्ट आया कर्नाटका का। कर्नाटका में कौंडही नहीं बोलते हैं, वहाँ पे बोलते थे गोमबेयता, गोमबेयता, ठीक है, गोमबेयता। अच्छा वॉइस आ रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है, मैंने पूछा नहीं, स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सुनाई दे रहा है? ओके थैंक यू, मैं फटाफट से स्टार्ट कर ली। अच्छा गोमबेयता बोला गया कहाँ पे? कर्नाटका में, ओडिशा में कौंडही बोला गया था, ठीक है। स्ट्रिंग पपेट स्टार्ट हुआ इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे पपेट डांस होते थे, तो स्ट्रिंग पपेट ऑफ कर्नाटका आर कॉल्ड गोमबेयता, ठीक है, याद रहेगा, गोमबेयता बोला जाता है कर्नाटका में। अभी पूरा याद नहीं रहना है आपको, एक चीज बोल रही हूँ। सो पहले के टाइम पे ना यक्ष होते थे जो कि बोला जाता था इंसानों को खा जाता है, ठीक है, मतलब ये नियर अबाउट पूरा स्टोरी है वैसे टाइप का, एंड वो खा जाते थे, तो उनको एक ना पूरा डिफरेंट सा लुक दिया गया था, मतलब जस्ट लाइक डरावना, डिफरेंट कलर्स होंगे, दांत होंगे, ऐसा टाइप का। तो ये चीज़ों के लिए एक डॉल बनाया गया जिसमें दो तीन सर होंगे एंड बहुत सारा ज्वेलरीज पहनेगा, यक्ष बोला जाता था, एंड थोड़ा सा डरावना फेस भी होगा, एक साइड का अच्छा फेस होगा, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर शो करने के लिए बनाया जाता था। एंड ऐसे टाइप के जॉइंटेड मतलब हैंड एंड लेग्स थे, एंड उनको भी वैसे कपड़े पहनाए जाते थे, बहुत सारा स्टाइलिश ज्वेलरीज के साथ एंड क्लॉथ्स के साथ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो एपिसोड्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते थे, एपिसोड्स इनएक्टेड इन गोमबेयता आर यूजुअली बेस्ड ऑन प्रसंगस ऑफ द यक्षण यक्षगण प्लेस। सो यक्षगण जो होते थे उनके जो एक्टिविटीज थे उसी के ऊपर उसी का एक स्टोरी बना के यहाँ पे एपिसोड्स में रखा जाता था, बिकॉज उस टाइम पे कोई टेलीविजन या फिर फिल्म्स मूवीज बहुत कम होते थे, उस टाइम पे ऐसे रखा गया, ठीक है। ये सब कलर अगर होता, कलर्ड वाले पिक्चर्स होते तो बहुत अच्छे से आप समझ पाते, देख सकते थे, अच्छा लगता। अभी आ जाओ तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पपेट को क्या बोलते हैं? देखो बोम्मा लतम, बोम्मा लतम, ठीक है, बोम्मा लतम हमने बोला। सो ये तमिलनाडु में फेमस है। यहाँ पे क्या हो गया, रॉड एंड स्ट्रिंग्स को हम दोनों को यूज करें, रॉड को भी यूज किए, स्ट्रिंग्स को भी यूज किए। अभी स्ट्रिंग्स तो आप जानते हो हैंड्स में जो लगा के हैंड्स एंड लेग्स में उसके मूवमेंट के लिए होगा, एंड जो रॉड्स होंगे, रॉड्स को स्पेशली उसको एक जगह पे स्टैंड करने के लिए छोटे छोटे रॉड्स यूज किए जाते थे। एंड ये जो डॉल्स होते थे ना इनमें हम क्लॉथ्स कम यूज करेंगे एंड वुड ज्यादा यूज करेंगे, लकड़ियों का यूज होगा ज्यादा इनको तैयार करने के लिए। इवन इफ इनके जो हैंड्स होंगे या फिर लेग्स होंगे, वो जो जॉइंटेड पोर्शन है, एल्बो पोर्शन या फिर आपके जो नी पोर्शन है, ये जॉइंटेड है, ये पूरा वुड होगा, वुडन का ही होगा, तो उसमें ऐसे डिजाइनिंग करके छोटे छोटे पीसेस का हम बनाते थे, ठीक है। ये हो गया तमिलनाडु का, फेमस हो गया। एंड बोम्मा लतम थिएटर हैज एलाबरेटेड प्रीलिमिनरीज विच आर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, विनायक पूजा, कोमाली, अमनत्तम एंड पुसेन कनत्तम। बहुत सारा, बहुत बड़ा नाम हो गया पुसेन कनत्तम, ये नाम ज़्यादा याद नहीं रहेगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोग जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो भूल जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत याद रखो फिर भी। सो विनायक पूजा ये तो याद ही रहेगा, आपका विनायक इंस्टीट्यूशन है तो याद रह जाएगा, कोमाली भी याद रह जाएगा, एंड अमनत्तम एंड पुसेन कनत्तम, ठीक है, कनत्तम पुसेन कनत्तम। तो ये चार चीज़ों में, मतलब चार एपिसोड्स बोल सकते हो, तो उसमें होता था। एंड इन डॉल्स को ना
मतलब पपेट्स को पूजा किया जाता था उस टाइम पे। तो उस फर्स्ट डे को हम विनायक पूजा बोल लिए एंड सेकंड डे पे कोमाली, कोमाली में बहुत सारे डांस स्टाइल्स को परफॉर्म किया जाता था एंड उनके थ्रू ही दिखाया जाता था कि उस टाइम पे गॉड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है या फिर गॉड्स को कैसे हम लोग प्रे करते थे या फिर वो कैसे वरदान देते थे, वो सारे पॉइंट को अमनत्तम एंड पुसेकनत्तम, ये दोनों चीज़ों में हमने जीवन के बारे में बताया। तो और एक में बताया हमने मृत्यु के बारे में, दैट मीन्स कैसे लाइफ आता है, कैसे डेथ होता है, क्या काम करोगे तो आपको लाइफ मिलेगा, क्या काम करोगे तो आपको डेथ मिलेगा। तो ऐसे एक हेल एंड हेवन का जैसे स्टोरीज होते हैं वैसे लेके किया गया है। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं। देखो ये चला गया जो हमने चार पढ़ा था, इंडिया में फर्स्ट जो स्ट्रिंग पपेट था, स्ट्रिंग पपेट में चार पपेट्स आ गए, उड़ीसा का हो गया, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये गया। अभी देखो शैडो पपेट, सैडो पपेट यहाँ पर ना वेराइटीज है, इंडिया में सैडो पपेट्स का बहुत सारा वेराइटीज है, ठीक है। सैडो पपेट्स आर फ्लैट फिगर्स, मतलब ये जस्ट लाइक होता है ना पूरे कागज में बनाया गया हो या फिर लकड़ियों में, पतले पतले लकड़ियों में बनाया गया, ड्रॉ करके कटिंग किया गया है एंड उसका जो सैडो आएगा, सैडो को दिखा के हम लोग स्टोरी, एक साइड में स्टोरी ऐसे चलते रहेंगे, स्टोरी बोला जाएगा, और दूसरे टाइम में हम लोग ऐसे पपेट्स को क्या करेंगे, शैडो दिखा के उसका पूरा स्टोरी को हम चलाएंगे। तो ये होता है वन काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट, पर्दे के ऊपर होता था जहाँ पे हाफ हाफ दिखाया जाए, एक स्क्रीन होगा या पर्दा होगा उसके ऊपर शैडो को करवाया जाता था। इवन हम लोग अगर रावण बनाते हैं, रावण, राम, सीता, तो ये स्टोरीज पहले के टाइम पे ऐसे भी दिखाया जाता था थ्रू शैडो पपेट्स, ठीक है। अभी देखो ये कहाँ कहाँ होता था, स्पेशली ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आपको मैं बता दूँ कि राजस्थान यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे तो नाम याद नहीं रहेंगे स्टेट्स के, तो राजस्थान याद रख लेना, चार ही था स्ट्रिंग पपेट पे, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो यहाँ पे ओडिशा है, कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है, राजस्थान नहीं है, उसको छोड़ के केरला है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको जरूर याद रखना है, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी होता था बट इतना ज़्यादा नहीं। फिर देखो और एक आया जो कर्नाटका में है, उसको हम मतलब ये जो शैडो पपेट था कर्नाटका का, उसको क्या बोला गया, शैडो पपेट ऑफ कर्नाटका इज नोन एज अ तोगालू गोम्बेयता, तोगालू गोम्बेयता। तो ये शैडो पपेट्स नॉर्मली स्मॉल इन साइज होगा एंड डिफरेंट साइजेस में हम उसको चला सकते हैं, सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी होता था, एक गरीब लोग को दिखाना है, एक बूढ़े इंसान को दिखाना है, मतलब शो करना है, इनैक्ट करना है, तो उस अकॉर्डिंग साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होते थे। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट में जाते हैं, थोलू बोमलता, यह आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोला गया, थोलू बोमलता। तो यहाँ पे थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश शैडो थिएटर, यहाँ पे देखो कैसे राजा महाराजाओं का शैडो क्रिएट किया जाता था, एक जैसे स्क्रीन पे या फिर छोटे छोटे वुडन पीसेस पे ड्रॉ करके पूरा बनाया गया, उसके बाद स्क्रीन पे शो किया जाता था एंड इसके भी छोटे छोटे पपेट्स हैं एंड ये छोटे छोटे पपेट्स भी कैसे होते थे, इसका भी साइज जो होता था ना, ये लार्ज इन साइज होता था, मीन्स एज कम्पेयर टू कर्नाटका गोम्बेयता जो था उससे थोड़ा बड़ा होगा, इसके जॉइंटेड वेस्ट होंगे, शोल्डर्स होंगे, एल्बोज होंगे, नीज होंगे एंड स्क्रीन में इसको भी दिखा के हम नेविगेट करते थे, रामायण महाभारत जो मैंने आपको बोला था वही चीज़ है। देखो रामायण महाभारत पुराणस में जितने भी पुराण के, पुराणस के स्टोरीज थे, इवन इफ श्रीमद् भगवद गीता और जैसे कि दुर्गा माँ का अवतार दिखाना हो तो वो सब किया जाता था। उड़ीसा में एक आया रावण छाया, ठीक है, रावण छाया, तो रावण छाया उड़ीसा का स्पेशल स्पेशल पपेट था एंड ये ना कलर नहीं था, मतलब इसमें कलर कोई भी यूज़ नहीं होगा एंड ये ऑलमोस्ट क्या होता है ना, जस्ट लाइक ड्रॉ कर दिया गया है, इसमें कोई कलर नहीं है, ऑपेक होता था, इसका कोई हैंड्स नहीं है, जॉइंटेड कोई पार्ट्स नहीं है एंड इसको कवर किसमें किया जाता था पता है, डियर स्किन से, जो आपके डियर होते हैं, हरिन होते हैं, उनके जो स्किन होता है ना उसको यूज़ किया जाता था इनको बनाने के लिए एंड इसको बोला जाता था ना, इनमें ड्रामेटिक जो पोजेस होते थे, जस्ट लाइक मैं किसी का पोज दिखाना चाहती हूँ ऐसे, मतलब वो यूज़ किया मैंने एंड धनुर्बाण जो हम लोग यूज़ करते हैं मतलब मारने के लिए किसी को, वैसे ही एक आकृति बनाया गया या शेप बनाया गया एंड उसको ऐसे डिज़ाइन में हरिन और डियर के स्किन को यूज़ करके बना दिया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रथ बनाना या फिर घर बनाना, मंदिर बनाना, वो सब में यूज़ होता था स्पेशली वो सब दिखाने के लिए, एनिमल कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। अभी देखो नेक्स्ट आया रॉड पपेट, रॉड पपेट जस्ट लाइक होता था ना, मतलब आप लोग जो ग्लव्स यूज़ करते हो ना उसी ग्लव्स के ऊपर ही होगा, मतलब ग्लव्स जैसे बड़े बड़े होते थे उसके अंदर रॉड्स डाल के डिफरेंट टाइप ऑफ हम डिजाइनिंग देते थे फेस का एंड उसको यूज़ किया जाता था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स में, ये स्पेशली वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में था। फिर आया पुतुल नाच, इसको हम लोग एक्चुअली बंगाली में बोलते हैं पुतुल नाच,
ठीक है, बस बंगाल का है, स्पेलिंग रॉन्ग है, प्लीज करेक्शन करिएगा, बिकॉज मैं बंगाली हूँ तो थोड़ा सा मुझे पता है इसके बारे में। नौच नहीं होता है, या एक्चुअली नाच को थोड़ा सा संस्कृत वर्ड से जब हम लेते हैं तो नौच बोलते हैं, बट नौच यहाँ पे नहीं लिख के प्रॉपर होगा जो पुतुल नाच बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो नॉर्मल गांव के एरिया में ये स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे नाच बोला जाता है, पुतुल नाच वेस्ट बंगाल का। तो स्पेलिंग चेक कर लीजिए, यू को कट कर लीजिए, ये भी रॉड यूज किया जाता था। एंड ये कैसे दिखता है पता, अभी का जो छऊ नृत्य होता है ना उसमें कैसे फेस सब बनाते हैं, बड़े बड़े से फेस एंड क्राउन होते हैं, वैसे ही टाइप का यहाँ पे था। देखो डॉल्स, बहुत सुंदर सुंदर डॉल्स बनाए जाएंगे, उसको क्राउन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉड्स के थ्रू में जॉइंट करके मतलब बनाया जाता था। एंड इसमें जो इसके बॉडी पार्ट्स बनाए जाएंगे ये वुडन का होगा, ऊट से बनाया जाएगा। ये स्पेशली स्टार्ट हुआ था नदिया नवदीप सुने, जहाँ पे मतलब ये जो कीर्तन होता है ना, कीर्तन के लिए वो जगह फेमस है बहुत ज़्यादा, एंड वहाँ पे सब कृष्ण भक्त रहते हैं, ठीक है। वहाँ से ही ये स्टार्ट हुआ था, कृष्ण जी को पूजा करते थे, तो कृष्ण जी का तो अवतार उन्हें पता नहीं था, इसलिए इसके रूप में ही वो लोग मतलब कृष्ण जी का जो स्टोरीज थे लोगों को बताते थे, तो ये नदिया से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड ये जो बोला जाता है कि ये कहाँ से आया है, ये ओरिजिनेट हुआ है जापान से, ठीक है। इस टाइप का जो पपेट है ये जापान से आया है, एंड ये ऑलमोस्ट 3 to 4 feet का होता था, बहुत बड़े बड़े आकार में बनाया जाता था, कोई पीछे से इसको पकड़ेगा, पकड़ के डांस करवाता था, ऐसा टाइप का होता था, ओके। ये सब यात्रा में यूज करते थे। फिर ये जो बिहार का है यमपुरी, ये इसको आप स्किप कर सकते हो, इतना नहीं चाहिए। ग्लोब पपेट ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत आपको बोल चुकी, तो ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, ये जो जो फेमस था वो बोला गया। केरला का थोड़ा करेंगे, केरला का देखो पावा कुत्तू केरला का है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 1 foot का होता था, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 foot 1 feet होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 feet का होगा, ऐसा टाइप का था। एंड केरला का जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं उसको शो करने के लिए कथकली में जैसे फेस में बनाते हैं एंड जस्ट लाइक स्ट्रिंग वाले बेस को पहनते हैं एंड डांस करते हैं, वैसे टाइप के यहाँ पे डांस ड्रामा को शो करने के लिए, क्लासिकल फॉर्म्स को शो करने के लिए ये डॉल्स बनाए जाते थे, पपेट परफॉर्मेंस होता था। अभी के टाइम पे ह्यूमंस वैसे ही पपेट जैसा बन के डांस करते हैं, ये केरला का फेमस है, ठीक है। इतना समझ आया,